ये वीडियो क्लास टेंथ के हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए है और मैं आज आपको इस वीडियो में पढ़ाऊंगा साइंस। और साइंस का चैप्टर रहेगा हमारा कार्बन और उसके यौगिक। उसमें टॉपिक मैं पढ़ाने वाला हूँ वो है आपका एथिल एल्कोहल, जिसमें एथिल एल्कोहल के क्या होता है और इसका निर्माण कैसे किया जाता है और क्या इसके भौतिक गुणधर्म है। आज केवल इतना ही हम पढ़ेंगे और इसके रासायनिक गुणधर्म और इसके उपयोग वो पढ़ेंगे हम लोग इसके कल की वीडियो में। जो आने वाला है नेक्स्ट वीडियो में वो मैं आज ही बता रहा हूँ आपको, क्योंकि ये आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। इन दो पार्ट में पढ़ाने के बाद तीसरे दिन मैं फिर से इसी को पढ़ाऊंगा, इसमें आपका एथिल एल्कोहल का शुरू से लेकर लास्ट तक का पूरा होगा। इसमें आपका रिवीजन हो जाएगा कि एग्जाम के नेचर से अगर लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो आपका एथिल एल्कोहल ही पूछा जाएगा या फिर आपका पूछा जाएगा विनेगर यानी सिरका। ठीक, उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक बात करेंगे, पहले हम यहाँ पढ़ते हैं बच्चों। और सबसे पहले आप अटेंडेंस लगा दीजिए अपना नाम लिखकर। एथिल एल्कोहल या एथेनॉल, ठीक बच्चों, इसका जो रासायनिक सूत्र है C2H5OH है। क्या है? C2H5OH। अब एथिल एल्कोहल का संरचना सूत्र ये है या फिर CH3CH2OH या C2H5OH। ये एथिल एल्कोहल एल्कोहल में OH जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है? OH। तो OH से पता पड़ रही है हमको कि ये एल्कोहल समूह का एक यौगिक है, एल्कोहल समूह का यौगिक है। तो पढ़ते हैं बच्चों, इसमें OH समूह संतृप्त कार्बन परमाणु से जुड़ा है, इसमें एल्कोहली समूह उपस्थित है, अतः यह एक एल्कोहल है। यह एल्कोहल समूह का महत्वपूर्ण सदस्य है तथा केवल एल्कोहल के नाम से भी जाना जाता है। IUPAC पद्धति में इसका नाम एथेनॉल है। समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया फिर समझिए। C2H5OH में OH जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है? OH जुड़ा हुआ है, अतः इसमें एल्कोहली समूह उपस्थित है। कौन समूह उपस्थित है? एल्कोहल समूह उपस्थित है, अतः C2H5OH क्या है? एक एल्कोहल है और यह एल्कोहल समूह का एक महत्वपूर्ण सदस्य है। एल्कोहल समूह में बहुत सारे आएंगे, आपका है CH3OH, C2H5OH, C3H7OH, बहुत सारे, मगर उन सभी में सबसे जो महत्वपूर्ण है C2H5OH ही है। अब C2H5OH एक ऐसा मेंबर है जिसको एल्कोहल के नाम से भी जाना जाता है। इसके नाम से? एल्कोहल नाम के नाम से भी जाना जाता है। और एथिल एल्कोहल को प्रकृति में यह सुगंधित तेलों फलों में एस्टरों के रूप में पाया जाता है। एथिल एल्कोहल को प्राय स्टार्च युक्त अन्य पदार्थों से बनाया जाता है। कहाँ मिलता है यह प्रकृति में? क्वेश्चन पूछा जाए तो आपका आंसर होगा, प्रकृति में यह सुगंधित तेलों फलों में एस्टरों के रूप में मिलता है। एथिल एल्कोहल प्राय स्टार्च युक्त अन्य पदार्थों से बनाया जाता है, अतः व्यापार में इसे अन एल्कोहल यानी ग्रेन एल्कोहल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रेन एल्कोहल भी कहते हैं, या फिर स्प्रिट ऑफ वाइन लिख लीजिए यहाँ पर, स्प्रिट ऑफ वाइन भी कहा जाता है। स्प्रिट ऑफ वाइन भी इसको कहा जाता है। ये तो हो गया इसके बारे में, अब पढ़ते हैं इसके निर्माण की विधियां। मैं इसकी आपको तीन विधि कराऊंगा निर्माण की। पहली विधि होगी एथिल ब्रोमाइड से, दूसरी विधि होगी बच्चों एथिल एसीटेट से, और तीसरी विधि मैं जो कराऊंगा आपको वो होगी किण्वन विधि द्वारा। किसके द्वारा? किण्वन विधि द्वारा। बस ये तीन पढ़नी है, ठीक। पहली है बच्चों एथिल ब्रोमाइड से। कौन सी से? एथिल ब्रोमाइड से। तो याद रखिए एथिल ब्रोमाइड क्या है? एथिल का मतलब हो गया CH3 C2H5, और ब्रोमाइड क्या हो गया? Br, यानी C2H5Br से हमें क्या बनाना है? C2H5OH बनाना है। तो यानी Br को हटाना होगा, OH को लगाना होगा, यानी जो हम इसमें जोड़ेंगे इसकी अभी के रखेंगे उसमें OH आना जरूरी है, ठीक। तो यहाँ समझिए एथिल ब्रोमाइड, एथिल क्लोराइड
या एथिल ब्रोमाइड या एथिल आयोडाइड की जलीय KOH या NaOH से अभिक्रिया के फलस्वरूप एथिल अल्कोहल प्राप्त किया जाता है। या तो एथिल ब्रोमाइड ले लो, या एथिल क्लोराइड ले लो, या एथिल आयोडाइड ले लो, उनकी रिएक्शन या तो जलीय NaOH से करा दो या KOH से करा दो, तो क्या मिल जाएगा? एथिल अल्कोहल मिल जाएगा। और के क्या होगा? जो आई होगा तो के आई हो जाएगा, के सी एल होगा, यहाँ पर सी एल तो के सी एल मिल जाएगा आपको। अगर यहाँ एन ए ओ एच होता तो एन ए बी आर मिल जाता, या एन ए सी एल मिल जाता, या एन ए आई मिल जाता। अभिक्रिया अपने आप करने बता दिया, उदाहरण उदाहरण दे दिया है। दूसरा होगा बच्चों, उदाहरण आपके इसकी ये बताई थी मैंने आपको, एथिल एसीटेट से। किससे? एथिल एसीटेट से। अम्ल या क्षार की उपस्थिति में एथिल एसीटेट की जल से अभिक्रिया के फलस्वरूप, किसे? जल से अभिक्रिया के फलस्वरूप एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। यानी हमने एथिल एसीटेट यानी C2CS3OO C2H5 की अभिक्रिया H2O से करा दी। किससे करा दी? H2O से। तो यहाँ क्या मिल गया बच्चों हमको? CS3COOH प्लस C2H5OH। अब इसको थोड़ा विस्तार में समझते हैं हम लोग। एथिल एसीटेट से बना रहे हैं हम लोग, तो हम लोग क्या कर रहे हैं? एथिल एसीटेट से क्या बना रहे हैं हम लोग? एथिल एल्कोहल। अब एथिल एसीटेट तो याद रखिएगा हमेशा, एसीटेट का जो समूह होता है वो होता है CH3COO, यानी CH3COO। तो हमसे कहा गया एथिल एसीटेट, एथिल का क्या होता है बच्चों आपका? C2H5। तो ये कुल मिल एथिल का होगा C2H5, और एच क्या होगा? CH3COO। तो आपका बन गया बच्चों CH3COO C2H5 गिव्स एथिल अल्कोहल। एथिल क्या होता है मैंने? C2H5O। अल्कोहल क्या होता है? OH। तो C2H5OH। आपको एथिल अल्कोहल से एथिल एसीटेट से एथिल अल्कोहल बनाना है, तो हम क्या करेंगे? इसकी अभिक्रिया H2O से करा देंगे, CH3COO C2H5 की अभिक्रिया H2O से करा दी, तो क्या बनेगा? तो बच्चों ये दो पार्ट में ब्रेक हो गया। किसमें? दो पार्ट में। कौन कौन से? यहां समझिए, पहला पार्ट आपका हो जाएगा एसीटेट यानी CH3COO- और ये क्या होगा बच्चों आपका? C2H5। ठीक, ये दो पार्ट में ब्रेक हो गया। अब H2O भी दो पार्ट में ब्रेक हो जाएगा, H और OH। समझ में आ रहा है? तो ये माइनस, ये प्लस, ये होगा बच्चों H प्लस और OH माइनस। प्लस वाला जाएगा माइनस वाले के पास, प्लस वाला जाएगा माइनस वाले के पास। जब इस माइनस वाले प्लस वाला गया तो क्या बन गया? CH3COOH। दूसरा कंपाउंड क्या बनेगा बच्चों आपका? आगे जो जगह नहीं है नीचे लिख रहा हूं मैं, प्लस C2H5OH। यही हमको बनाना था, बन गया होगा। इसी तरह मैं आपको जितनी भी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं करनी सिखा दूंगा, मगर आपको धैर्य के साथ, पेशेंस के साथ सारी वीडियो देखनी है। समझ में आया बच्चों आपको? क्या देखनी है? सारी वीडियो देखनी है। ठीक, आज मैं इतना ही रखता हूँ। ठीक, नोट कर लीजिए, दिखाने जा रहा हूँ आपको मैं पूरी इन दोनों परिभाषाओं। एथिल एसीटेट से अम्ल या क्षार की उपस्थिति में एथिल एसीटेट की जल से अभिक्रिया के फलस्वरूप एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। या तो इस अभिक्रिया को लिख लो, या जो मैंने लिखवाई थी थोड़ी देर पहले उसे नोट कर लो। इस अभिक्रिया में अम्ल या क्षार उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। ऊपर इतना अम्ल या क्षार, मेरी वाली में भी। ठीक, आज के लिए इतना ही। और जो बच्चे आपके साथ नहीं पढ़ पा रहे हैं, जिन्हें आप जानते हो उनसे कहो, विमल सर केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं,
ध्यान से पढ़ो, आपके काम आएगी। ठीक है, उनसे कहो केवल पढ़ना है, नहीं पढ़ सकते केवल सुन तो सकते हैं। 10 मैक्सिमम 10 मिनट की वीडियो होती है, 24 घंटे में 10 मिनट तो अपने निकाल सकते हैं ना। मैं वादा करता हूं, अगर आप इन्हें देखते रहोगे, देखने मात्र से भी आपको याद हो जाएंगे। ठीक, चलिए बच्चे।